आठ सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। योगी शासन ने लेखपालों को काम पर लौटाने का अल्टीमेटम जारी करते हुए 22 लेखपालों को बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आर पार की लड़ाई का निर्णय ले चुका है। जिला अध्यक्ष लेखपाल भीमसेन का कहना है कि योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। हम तो 2016 से अपनी जायज मांगों के लिए शासन के सामने रखते आए हैं। शासन ने 2018 में हमारा विभाग के जो मुखिया थे उन्होंने शासन के मध्य में कार्यवृत्त हस्ताक्षर हुए थे, उन्होंने भी माना है कि लेखपालों की जायज मांगे हैं, शासन को संदर्भित किया गया है। हमने बार बार जनहित के माध्यम से, जनहित के लेटर के माध्यम से, अपने रक्तदान के माध्यम से, कैंडल मार्च से कई बार ध्यान आकर्षण कराया है हमने सरकार का कि लेखपालों की जायज मांग उनको मान लिया जाए। फिर हमने नोटिस दिए हैं, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर हम लोग इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कोई हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, न कोई तोड़फोड़ करेंगे। हमको भी दुख है कि जनहित के कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम तो केवल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो रियायत दी वो भी तो हम लेखपालों को नहीं मिल पाई। पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है आयजात निवास का, उसमें 5 रुपये लेखपाल के आज तक नहीं दिए गए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको सुने, हमारी जायज मांगों को माने, उसके बाद हम हड़ताल समाप्त करें। अगर ये नहीं हुआ तो हम तब तक हड़ताल जारी करते रहेंगे, तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, चाहे बर्खास्त करें, चाहे जेल भेजें, चाहे कुछ भी। शासन के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने सभी लेखपालों की सर्विस ब्रेक करने के बाद 22 लेखपालों को बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया है। शासन की कार्रवाई के डर से कुछ लेखपालों ने हड़ताल से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन हड़ताल पर बैठे लेखपालों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। महामंत्री प्रताप सिंह का कहना है कि शासन की मनमानी का डट कर मुकाबला किया जाएगा। कार्यवृत्त के बाद शासनादेश के बाद में भी कार्रवाई की गई है, बर्खास्तगी के नोटिस दिए गए हैं, वो गलत है। सरकार ने 2018 को कार्यवृत्त जारी करने के बाद आज तक हमारा कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया है। हम अपनी पेंशन विसंगति, वेतन विसंगति, ग्रेड पे वेतन भत्ते आदि को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। जी, हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। सरकार को पहले से अपनी बात, अपनी पीड़ा कहते रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी एक भी मांग पर साधनादेश जारी नहीं किया है। जब तक हमारे साधनादेश जारी नहीं हो जाएंगे हम आंदोलन करते रहेंगे। सरकार चाहे जैसा कदम उठा ले, हम सरकार के दमन चक्र से झुकेंगे नहीं। बिल्कुल उनकी चिंता है, उनकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। हम अगर इस तरह से सरकार नहीं मानती है तो हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। इस तरह से जो बर्खास्त की बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए की जा रही, वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। लोकतंत्र की हत्या है, सरकार जो कर रही है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बार बार कार्यवृत्त जारी करने के बाद भी आप कुछ नहीं दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप 2016 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारा 1994 का एक साथी है, 2800 पारा है, उसी दौर का, उसी सन का एक साथी पारा 4200, ये वेतन विसंगति क्यों? इसको आपने जो भूले किए उसके सुधारने का ही तो हम कह रहे हैं कि इनको आप हमारा दीजिएगा, हमारी आवश्यकता है, हमारी ग्रेड पे चेंज करिएगा। 2000 के ग्रेड पे में हम क्या कर सकते हैं? हमारा वेतन भत्ता 3 रुपये 33 पैसे हमें साइकिल चलाने के लिए दिया जा रहा है, इतने में कोई साइकिल में हवा तक नहीं डालेगा। बिल्कुल हमें लग रहा है हमारी जायज मांगे हैं, मानी जानी चाहिए। बढ़ती सर्दी, गिरते तापमान में मात्र शक्ति के रूप में महिला लेखपाल इस लोकतांत्रिक लड़ाई में मजबूती से जमी हुई हैं। लेखपाल संघ आर पार की लड़ाई को तैयार है। शासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है बहुत गलत प्रतीत हो रहा है। कि शासन का नियम ही ये कि सबकी समस्या को, शिकायतों का निस्तारण करना। अगर लेखपाल किसी जायज मांगों के संबंध में 2.5 साल से लगातार अनवरत है और हमने लगातार निरंतर शासन को बार बार अवगत कराने का प्रयास किया, इसके बाद भी अगर उनके द्वारा निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है तो ये उनका प्रक्रिया है। अगर नियमानुसार प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा कार्रवाई करेंगे तो उसका, जैसे अगर हमें नोटिस प्राप्त होता है उसके बाद हम लोग उसका नियमानुसार जवाब दाखिल करेंगे, और जवाब दाखिल करने के बाद भी अगर सरकार कार्रवाई करती है तो और सारे विकल्प खुले, उन विकल्पों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश स्तर से जो भी निर्देश आएंगे उनके अनुसार पालन किया जाएगा। धरना तो जब तक मांगे हमारी मानी नहीं जा रही हैं, और शासन से बार बार वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वार्ता के बाद भी शासन नहीं कर पा रहा है तो धरना अनवरत जारी रहेगा। अपनी 8 सूत्रीय जायज मांगों के लिए लड़ रहे लेखपाल संघ की योगी सरकार सुन नहीं रही है। लेखपाल किसी भी कार्रवाई तक हड़ताल से हटने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि से और मात के खेल में कौन जीतेगा। साइबर इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।